हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्ते सोफा जी, नमस्ते कैमरा जी। और मैं और अर्चना जी, हम लोग क्या भुसार में बैठे हुए? हमें क्यों नहीं किया नमस्ते? आपने एक साल से हमें यहाँ पर बुलाया ब्रो? बच्चा यादव को यहाँ पे बुलाया आपने? बात सही है भाई, मजाक नहीं कर रहे सर। ये बच्चा यादव इस मंच पे एक साल के बाद आया है। हाँ। इतने बड़े बड़े कलाकार हमको बुला रहे हैं, लेकिन चोटी के कलाकार को, लाइक लिटरली चोटी के कलाकार को बुलाना ही भूल गए आप। तो अब क्यों आया फिर? अब पैसे कम हो गए हैं। वैसे भी शर्मा जी, हम यहाँ पर अपनी बातें क्यों कर रहे हैं? रिस्पेक्टेड ASI आए हैं, उनकी बातें करें। ASI मतलब? अरे अनिश जी, सतीश जी, इंद्र कुमार जी, ASI। माना कि आज आपके कंधों पे स्टार नहीं है, लेकिन इनके कंधों पे चढ़कर बहुत लोग स्टार बने हैं। लव यू सर। क्या बात है, क्या बात है यार। ये देखिए यहाँ अनिश जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इंद्र कुमार जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सतीश जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं। मतलब ऐसे बता रहे हैं बस के। सर बैठिए। और कुछ लोग तो डायरेक्टर भी नहीं है फिर भी फैल रहे हैं। शर्मा जी, आपने वो गाना सुना है, गुपचुप 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 गुपचुप? हाँ सुना है। तो उसमें से चुप 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 आप रख लीजिए और गुप 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 हमें इनके साथ थोड़ा सा करने दीजिए। सर हम आप लोगों के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन जनता का जो बिहेवियर है ना आपके प्रति, वो देख के हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्या हुआ? अरे इतनी मेहनत से ये फिल्म बनाते हैं, लोग इनकी फिल्मों को देख के हंसते हैं। भाई मेहनत से कॉमेडी भी बनाया है, मजाक चल रहा है क्या? आते बेवकूफ वाली बातें शुरू कर दी ना तूने। इतने दिन कहाँ रह गया था तू? हम भाड़ में गए थे। मजाक नहीं कर रहे हैं हम। क्या अपने पिताजी से सर बात करने जाते हैं, कहते हैं तुम भाड़ में जाओ। मम्मी से बात करने जाते हैं, वो कहते हैं तुम भाड़ में जाओ। दोस्तों से बात करने जाते हैं, कहते हैं कि बकवास बंद कर, तू भाड़ में जा। हमने तो गूगल पे सर्च किया, वेयर इज भाड़। गूगल की मोहतरमा ने हमसे कह दिया, आप प्लीज भाड़ में जाइए। हमने कहा यार अगर इतनी पॉपुलर जगह है, सब इतना सजेस्ट कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं, तो हम गए भाड़ में। लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं। कहां थे सब? भाड़ में जाए, हमें क्या करना है? इसका कसूर नहीं है सर, ये भैंस के साथ रह रहे के ना, इसका दिमाग में गोबर भर गया है। उस दिन रात को सोने लगा, कहता मेरे को रस्सी के साथ बांध दो। मैं क्यों? कहता मुझे खोल के ना ले जाए। शर्मा जी आपको नाइफ वर्ड मालूम है? नाइफ। हाँ। उसमें शुरुआत में जो के होता है। हाँ। वो क्या है? साइलेंट। आप भी रहिए। सर सबसे पहले तो इंदु जी थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता रहा हूं, इनकी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती। हाँ। उस फिल्म की वजह से हमारे जो बच्चे हैं ना, उनकी स्पोर्ट्स में रुचि बहुत बढ़ गई है। कैसे? नहीं, जब भी हम फिल्म वो देखते हैं अपने घर में, हम बच्चों से कहते हैं जाओ जरा बाहर खेलो। अब वो इतना खेल लिए, हमारा छोटा वाला लड़का स्पोर्ट्स कैप्टन बन गया है। सर स्पोर्ट्स स्टार बन रहे हैं इस देश में आपकी वजह से, आपको पता ही नहीं है। इट्स मैजिकल। मैजिक की बात है, कमाल है। वैसे आप लोगों को एक अंदर की बात बताएं। इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, ये क्या है? ओ सॉरी, हमने आपको बंदर की बात बता दी। अंदर की बात बतानी थी। गलती आजकल हमसे बहुत हो रही है। अभी परसों के दिन हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हमने दाल गैस पे चढ़ा दी। इसमें क्या गलती है? इसमें दाल गलती है। इतनी विचित्र बात पिछले एक साल से आपसे की किसी ने? शर्मा जी है, मैं एक बड़ी जरूरी बात पूछना चाहता हूँ, करने क्या आए इधर तू? नहीं बताएंगे। लेट्स कीप इट सस्पेंस एंड थ्रिलर। नहीं मजा आएगा, आप भी सोचिए बच्चा क्यों आया था, क्या करने आया था और क्या करके जाएगा। क्या आप सोचिए, क्या बात है, ये फालतू बातें करने आया तू? ये नहीं नहीं फिर अच्छा पते की बात कर देते हैं, पते हाँ। की बात करते हैं, हमको बताइए 9 और 10 के बाद क्या आता है? 11 और 12 गुलाम और बेगम। ये हमने की पत्ते की बात।
अनिल जी, आपसे एक और रिक्वेस्ट था. हमारे जो दादाजी है ना सर, बहुत ही सीरियस टाइप के आदमी है. उनको थोड़ा ऐसा फनी बनाइए ना. वो कैसे फनी बनाए? अपनी फिल्म में इन्होंने नाना को फनी बना दिया, दादा को तो बना ही सकते. और हमारे दादाजी बहुत ही सीधे आदमी हैं. हर हफ्ते बाल कटाते हैं. तो ये तो अच्छी बात है ना. नहीं नहीं, अपने खुद के नहीं, हमारी दादी के. सर इतने बाल कटवा दिए हैं कि हमारी दादी अब वो आपकी फिल्म तेरे नाम के राधे के जैसी दिखती है. आपको बताएं, हमारे दादाजी तो इतने फनी है, कल घर से जूते पहन के निकल गए. तो जूते पहनने में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, पैरों में नहीं, कान पे. यहाँ एक जूता लटका है, यहाँ एक जूता लटका है, घर से निकल गए. और जाते जाते हमसे पूछ भी रहे थे कि कैसा लग रहा हूँ. अब क्या करें, हम उनको झूठ बोले क्या हम? तो जिस झूठ से किसी को खुशी मिलती बोल देना चाहिए, उसमें क्या है? अच्छा सर, रूप की रानी चोरों का राजा क्या फिल्म थी. क्या कमाल, तू बातें कर रहा है तू बच्चा. नहीं, फिरंगी भी बहुत अच्छी थी यार. खुशी मिलती है तो बोल देना चाहिए. खैर सर, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, एक इल्तजा थी, एक दरख्वास्त थी, एक बिनती थी, एक थी. ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है उसकी तरफ से है थोड़ा. हमने बता दी क्या है अपने जीवन में. हमने ऐसे दूध निकालते हुए हाथ गीले तो बहुत किए हैं, अब सोच रहे हैं हाथ पीले भी कर ले. अनीस जी, आपके भूल भुलैया 2 की जो हीरोइन है उनसे अगर थोड़ी सी हमारी बात चला दे. क्या अडवाणी? नहीं नहीं, मंजुलिका. क्या करेगा मंजुलिका के साथ, शादी करेगा तू? हाँ, चुड़ैल है वो तो. अब तो क्या हुआ, चुड़ैल से शादी करने के बहुत फायदे हैं. क्या? कभी हमारा झगड़ा हुआ और हमने गुस्से में उससे कह दिया कि तुम एक नंबर की चुड़ैल हो, बुरा नहीं मानेगी. क्योंकि वो है. और खर्चा कितना बचेगा? मेकअप का कोई खर्चा नहीं है, घर में बत्ती वत्ती लाइटें लगाने का कोई खर्चा नहीं. हाथ में एक मोमबत्ती दे दो, सारा दिन भटकती रहेगी. बेस्ट पार्ट आपको बताते हैं सर. हाँ. एक दूसरे के साथ हम फोटो खिंचाएंगे. हाँ. सोशल मीडिया पे डालेंगे. फोटो में वो तो दिखाई देगी नहीं. लोगों को लगेगा कि हम सिंगल हैं. फिर उसके बाद थोड़ा मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती भी चलता रहेगा जीवन में. क्या बात है तेरी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पे एक बात बोलना चाहता हूँ. गेट आउट. ए भैंस, चलो अपना बैल लो और निकलो. अरे सर चलो, जा रहे हैं लेकिन हमारे पास जॉक्स का एक पिटारा होता है. जॉक सुना दे, जॉक सुना है. विकी कौशल जो है वो जिस दिन अपने घर पे मटन बनाते हैं, हाँ, तो अपनी वाइफ कैटरीना कैफ से क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं? हाउस द गोश. अच्छा, टाइगर श्रॉफ है वो अपने घर पे ना मोमबत्ती जलाते हैं. हाँ. बुझ जाती है, वो फिर से जलाते हैं, फिर बुझ जाती है, फिर से जलाते हैं, फिर बुझ जाती है. उनको आता है गुस्सा, तो वो मोमबत्ती से क्या कहते हैं? क्या? छोटी बत्ती हो क्या? चलिए सर, एक और लास्ट. एक आपको पता है नील आर्मस्ट्रांग? हाँ. चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था. हाँ. ये सब जानते हैं. दूसरा कदम किसने रखा? किसने? अरे उन्होंने ही रखा यार, एक कर थोड़ी ना था दूसरा. चलिए सर चलते, बहुत मजा आया. चलिए चलिए. अच्छा सर, आप तीनों डायरेक्टर हैं, कभी कोई ऐसा एक्टर कई बार हो जाता ना, सुई अटक जाती है और एक रीटेक, दो रीटेक और फिर वो कॉन्शियस हो जाता, फिर 15-20. कोई ऐसा आपको हुआ हो आपके साथ और आपने सोचा हो कि मैं डायरेक्टर क्यों बन गया? कोई ऐसा भी हुआ आपके साथ कभी? अक्सर ऐसा होता था, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जो नहीं एक्टिंग जानते हैं लेकिन एक्टर हैं वो. अच्छा. नहीं जानते. तो जैसे मैं आपको बताऊं, अभी एक हमारी फिल्म थी जिसमें एक हीरोइन थी, तो उसका एक इमोशनल सीन था, तो उसकी जो ग्लिसरीन की बोतल है वो खो गई, तो वो इतनी टेंशन में आ गई, कहाँ गई, क्योंकि उसे ये पता है कि अगर ये नहीं है तो वो रोने वाला सीन तो हो नहीं सकता है. Right. मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए सर, ये मैं थक गया हूँ, ये 4 मरतबा शॉट ले लिया है, अगर 5वीं मरतबा आप कर पाएंगे तो ठीक है, वरना आपके ओवर शोल्डर से सामने अच्छा एक्टर खड़ा है उसके ऊपर होगा. क्या बात.
अच्छा आप सब जानते हैं फिल्मों में बड़ी बड़ी हिट जोड़ियां हुई हैं, जैसे शाहरुख काजोल, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित जी, ऐसे हर किसी को ना जब भी हम फिल्म देखते हैं हमें कहीं ना पर्दे में लड़कों को हीरो की जगह अपने आप में देखते हैं और लड़कियां जो होती हैं वो माधुरी की जगह अपने आप को देखती हैं। जितने भी हमारे दर्शकों में पति लोग बैठे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप अपनी मर्जी से जोड़ी बना पाते तो किस हीरोइन के साथ बनाते आप, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, घर में आपकी पत्नियां भी हैं तो उस हिसाब से। जी 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 सर, किसके साथ जोड़ी बनाते हैं और क्यों? मेरा नाम मनीष चौहान है और मैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ओह वाह जी वाह, क्या बात है, इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर मुझे जोड़ी बनाने की जो अगर चॉइस मिलेगी तो मैं अर्चना पूरन सिंह जी को पसंद करूंगा। अरे मनीष चौहान जी, आंख उठा के मत देखना उसकी तरफ, आपके बाद मेरा भी, आंख उठा के मत देखना उनपे, उन्होंने रुमाल रखा हुआ है। मैं कपिल शर्मा शो में ऐसे ही नहीं आता, मेरा कोई मुद्दा होता है। बचपन से मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ और जब से इनका जलवा मूवी देखा है तब से मैं इनको पसंद करता हूँ। आपको पता है जो आप न्यूक्लियर बनाते हैं ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, उसको तो आप कमांड देंगे तब चलेगा, ये कभी भी चल जाती है। नहीं फिर उनके कमांड पे मैं चल लूंगा। आपकी वाइफ आई है साथ में? आई है। मैडम कहाँ आप इनको, भाई साहब को इधर ही पीटना चाहेंगी? पीछे भी कमरे बने हुए हैं, आपके सामने ही देखो आप। मुझे भी अर्चना मैडम बहुत पसंद है, मैं उनको इंस्टाग्राम में फॉलो करती हूँ, उनको सारे वीडियो देखती हूँ। थैंक यू। अच्छा, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। और कपिल जी रातों को भी कभी कभी जो है ना उनकी हंसी मेरे कानों में गूंजती है। कभी उठ के चेक कर लिया करो, क्या पता कान पे वही लगा रही हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, शुक्रिया आपका शो में। पीछे भाई साहब ने हाथ खड़ा किया था। जी जी, मेरे टाइम पे तो रीना रॉय थी ना। अच्छा रीना। और नहीं और भी वैसे तो बहुत सारी एक्ट्रेस थी, आपकी सुई उन पे अटक गई है। ये तो चली गई ना अभी। अच्छा मैं चली गई। सर कहाँ से आए आप? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से? मैनचेस्टर में रेस्टोरेंट है हमारा। अच्छा जी, तो उधर ठंड लग रही होगी, इधर इसलिए आए। अच्छा जी, तो आपके साथ कौन आया हुआ है? मेरी बीवी। तो रीना राय जी आपके दिमाग में बसी हुई है? उस टाइम के पहले से ही बसी हुई है। रीना राय जी के बारे में आपकी क्या राय मैडम? आपके पति शरेआम माइक हाथ में लेके रीना राय जी को याद कर रहे हैं। वो पिटाई तो जरूर होगी रात को, मेरे को पता है। चलो कौन सा पहली बार होनी है? ये पहली दफा पिटाई नहीं हुई है, आपको कैसे पता? अच्छा। सर मैं भी पति हूँ तो। पर बहुत बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे बात करके, शुक्रिया, धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब, ये हमारे भाई हिमालय से तपस्या करके। हाय अर्चना जी, नमस्कार सर, आई लव योर स्टाइलिंग, रियली सो कूल मैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम केतन पानवाला है और मैं बहुत खूबसूरत शहर सूरत से आया हूँ। सूरत से? वाह, एक्चुअली बहुत खूबसूरत शहर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर मुझे चॉइस मिलती जोड़ी बनाने की तो मैं काजल जी के साथ अपनी जोड़ी बनाता। काजल? अच्छा जी, क्योंकि एक संजोग ही था कि उनको डीडी एलजे में उनको जो रोल मिला था वो और मेरी लाइफ में जो चल रहा था वो सिमिलर था। कैसे? अच्छा, उनकी एंगेजमेंट हो गई थी, मेरी वाइफ की भी एंगेजमेंट हो गई थी। अच्छा। फिर मैंने वो शादी तोड़वाई और आज हम लोग साथ में। शादी तोड़वाई? शादी तोड़वाई और की है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि आप शाहरुख खान हैं। हाँ जी। तो कैसे तोड़वाई? बाल खोल के तलवार घुमाई आपने उनके घर में, क्या किया? नहीं, हम लोग ने भाग के शादी कर दी। भाग के शादी की? वाह। कितने साल हो गए सर आपकी शादी को? 28 साल। तो आपको इस बात पे गर्व है कि अफसोस है? नहीं गर्व है, क्योंकि मेरी सिमरन मेरे साथ है। अरे क्या बात है, यहाँ पे आई है? यहाँ पे आई है मैडम? यस यस। अच्छा कहाँ है? अरे नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सिमरन जी बहुत बहुत स्वागत है सिमरन जी आपका। हेलो एवरीवन। हाय। आपके हस्बैंड का लुक मुझे बड़ा ही कमाल का लगा। थैंक यू सो मच। तो ये अपनी मर्जी से रखा है या आप काटने नहीं दे रही उनको? हाँ जी, अपनी मर्जी से ही रखा है। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया जी। और कोई हमारे दोस्त? जी पहली महिला खड़ी हुई है अपने विचार पेश करने के लिए। हेलो कपिल सर। हेलो अर्चना मैम, आई एम काव्या गोयल, आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग। दार्जिलिंग? बहुत बहुत स्वागत है काव्या आपका।
तो सर शादीशुदा तो बहुतों के आपने चॉइस सुन ली है जी. सर हमारी तो शादी नहीं हुई है बट हमारी भी तो चॉइसेस होते हैं सर. अरे आपकी ज्यादा होती है जिनकी शादी नहीं हुई. शादीशुदा आदमी तो मजबूर हो जाता है बेचारा, वो तो ऐसे सपने देखता है. जी आप सर आप मेरे बहुत बड़े फैन है इसलिए मैं आपसे अपनी चॉइस शेयर करना चाहती हूँ. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. नहीं ये आपकी बड़ी फैन. अच्छा आप मेरी फैन है. हाँ. ओ, कमन बेबी, सर, आप भी बहुत हैंडसम हो लेकिन आपकी शादी हो चुकी है तो दो बच्चे भी. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बच्चे तो छोटे छोटे उनको क्या पता. वैसे भी वो नेरी वेस्ट में रहते हैं, हम ईस्ट की बात कर रहे हैं. जी सॉरी काव्या आप क्या कहना चाह रही हैं. ठीक है तो सर मेरा जैसे चॉइस है कार्तिक आर्यन. अच्छा जी. सर वो भी बड़ा क्यूट है और मैं भी बड़ी क्यूट. ये तो है, आप बहुत क्यूट है. थैंक यू सर. सो सर मुझे लगता है कि कार्तिक के दो अफेयर चल रहे हैं मुझे पता है. तो क्या अपना काम नहीं तो किसी का भी नहीं बनने देना हमने. हम तो जी जी. तो सर मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी. बट सर वो तो सेलिब्रिटी, उनके पास कहाँ टाइम है हमारे लिए. जी. तो सर जब मैं आई यहाँ पे तो मुझे एक लड़का दिखा एकदम सिमिलर सा आपके सेट में. कौन है वो? कौन है सर? ये यही बैठे. ओहो तो वो मुझे खड़ा तो करो. आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मुझे एक मिनट के लगा कार्तिक ही है. हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? भगवान को कौन सा प्रसाद चढ़ा के आए थे दुनिया में तुम्हें बैठे बैठे? तो फिर क्या कहना चाहती हैं आप इसको? यही मुझे अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी अच्छी बनेगी. आपका क्या नाम है ब्रदर? मेरा नाम शाश्वत है, शाश्वत पोद्दार. मैं सूरत से हूँ. शाश्वत ये क्या कह रही है काव्या, आपको अच्छा लगा सुन के? कपिल भैया मैं तो जैसे बहुत सिंपल सा हूँ. मेरे को तो ऐसा सिंपल सा हो लड़के तो हो ही. कोई बात नहीं लोगों के बड़े बड़े चॉइस होते हैं. हीरो हीरोइन, मेरी तो आम चॉइस ही है. ये आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रही है. अच्छा तो फिर क्या क्या किया जाए फिर? नो डाउट सर ये बहुत सुंदर है. जी जी. और इनकी जो इमोशंस है उसकी मैं कदर करता हूँ लेकिन मेरे ख्याल से मैं कार्तिक आर्यन जैसा नहीं दिखता. काव्या क्या करती हैं आप? सर मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे NMIMS में. अपनी पढ़ाई करो चुपचाप, समझ में आया? लड़कों को नहीं देखना. और आप क्या करते हो? मैं भी सर स्टडीज कर रहा हूँ अभी. कहाँ पर? सूरत से, थर्ड ईयर बीकॉम में हूँ. अच्छा चलिए ऑल दी वेरी बेस्ट जो भी आप कर रहे हैं. इवन मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए. आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? ये आपके पेरेंट्स हैं? तभी डर के बोल रहा है. छोटे छोटे मम्मी डैडी. तो सर जी ये काव्या कुछ कह रही हैं आप. कपिल सर हमें लड़की तो बहुत अच्छी लगी लेकिन हमारे जो क्राइटेरियाज है उसमें उतरना ही चाहिए. कैसे क्या? मतलब क्या सर? इसके मोबाइल में इसके पेरेंट्स की फोटो होंगी तो इसकी मदर की फोटो भी एक बार दिखानी पड़ेगी इसको. नहीं आपने उसकी मदर से क्या लेना देना? आपका क्राइटेरिया में आ रहे हैं. आप अपने बच्चे की मदर की तरफ देखिए. एक तो बाप यंग हो ना तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है. भाई साहब बड़े शातिर है ध्यान से. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद. भी होगी आज. बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए. थैंक यू काव्या, थैंक यू. कपिल अगर यही सवाल तुझसे पूछा जाए जी कि तू किसके साथ जोड़ी बनाता? मेरी जोड़ी बन चुकी है, मैं सिर्फ उसी के साथ ही बनाना चाहता हूँ. लायर, झूठा. जब आपको पता है तो क्यों पूछ रहे हो? जी भाई साहब जोश माइक आ रहा है आपके पास. माइक दे दीजिए भाई साहब को. बहुत तेज आई बात कोई. बिना माइक के ना कर देंगे जी. क्या हाल है? हेलो कपिल. हेलो सर, कैसे आप? माय नेम इज कर्नल धर्म नारायण. आई एम रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर. वेलकम कर्नल साहब. बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है जवान आर्मी के. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. आई वेंट टू सी माय वाइफ इन 1987. अच्छा जी. एंड आई वुड लाइक टू मेक पेयर विद हर ओनली एंड आई सॉ ऑल हीरोइंस इन हर. हाय हाय हाय, आज पहली बार मैंने फौजी डरा हुआ देखा है. बहुत बहुत मजा आया कर्नल साहब आपको मिलकर. शुक्रिया. धन्यवाद. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इंदु सर, अनीस भाई और सतीश जी के लिए. सतीश सर, अनीस भाई, इंदु सर, इतना इतना मजा आया आज आपसे बातें करके. थैंक यू सो मच. आपकी फिल्मों से जुड़े हुए किस्से सुन के आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने बहुत मजा लिया है. एक बार जोरदार तालियां. थैंक यू कपिल, थैंक यू वेरी मच सर. लव यू पाजी. हम तीनों ने बड़ा एंजॉय किया लेकिन शुक्रिया. आज का ये खास मौका मैं जाने नहीं दे सकता. मैं लास्ट टाइम आया था कागज जी फिल्म के प्रमोशन के लिए यहाँ पर और कल ही मेरी कागज 2 की शूटिंग खत्म हुई है. अरे वाह, मुबारक.
तो मैं आज आपके सामने कागज 2 का लोगो अनवील करना चाहता हूँ कि कागज 2 पिक्चर का प्लीज लेके आइए। कपिल जी हैं, अर्चना मेरी जान, ये जान अपने रास्ते बनाने के लिए दूसरों के रास्ते बंद मत करो। क्या बात है सर, कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। कांग्रेचुलेशन सतीश सर। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार खुल के ताले हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा इंदु सर को, अनीस भाई को, सतीश सर को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया। तो दोस्तों इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, लव यू ऑल, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।